ग्रेट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया 2014 में भी धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था और अब ऐसे ही अचानक से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया सात नंबर की जर्सी पहनकर क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने वाला रांची से आया एक लड़का कब कैप्टन कूल बन जाएगा किसी को नहीं पता था ग्लव्स को बार बार खोल कर बंद करने वाला चीते की तरह दौड़ लगाने वाला लड़का भारत के नाम अनगिनत रिकॉर्ड करेगा ये भी एक जादुई बात है अब नज़र डालते हैं धोनी के करियर के कुछ खास मोमेंट्स पर 2004 में डेब्यू करने के बाद 5 अप्रैल 2005 को विशाखापट्टनम में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच चल रहा था तब धोनी ने एक गेंदों में 15 चौके और चार छक्के के साथ 148 रन बनाए और भारत मैच जीत गया ये धोनी की पहली सेंचुरी थी 2004 से लेकर 2007 तक धोनी के करियर में कई उतार चढ़ा हुआ है इसके बाद साल 2007 में पहली बार धोनी को टी विश्व कप की कप्तानी मिली चौबीस सितंबर को जब जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक रन बनाए और पाकिस्तान की टीम एक रनों पर ही सिमट गई और भारत के मैच के आखिर ओवर में जो हुआ वो आज तक लोगों के दिलो दिमाग में है क्योंकि आखिरी ओवर पर श्री संत ने मस्बाह उल्हक का कैच पकड़ा था जिसके चलते भारत की झोली में मैच आ गिरा इसके बाद 2009-2010 में धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया पहली बार टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंची सबसे बड़ा मोमेंट तो तब आया जब साल 2011 में 2 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल खेलते हुए जिसमें धोनी ने गेंद हवा में टांग दी थी और दूसरी बार वर्ल्ड कप भारत के खाते में आ गया था ये वो क्षण था जिसने एक पीढ़ी के सपने को साकार किया इस मैच में धोनी ने नॉट आउट 91 रन बनाए थे अब 30 जून 2013 को जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई जो इंग्लैंड वैली में हुई थी तब तो मैच में हुई बारिश के बाद भारत पाँच रनों से मैच जीता और इसके जीतने के बाद धोनी पहले ऐसे कैप्टन थे जिनके नेतृत्व में इंडिया ने आईसीसी के तीनों बड़े टूर्नामेंट जीते एमएस धोनी ने इंटरनेशनल करियर में 350 वनडे 90 टेस्ट इंठानवे टी ट्वेंटी मैच खेले वनडे में दस हज़ार से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए वनडे में दस शतक और तिहत्तर अर्धशतक टेस्ट में छः शतक और तैंतीस अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं कई सारे रिकॉर्ड्स भारत और अपने नाम करने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र हमेशा ही क्रिकेट की दुनिया में रहेगा दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं लेकिन धोनी एक ही आता है और हमेशा रहता है पिछ पर वहाँ सही लोगों के दिल में ही आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें